जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों जिसके मित्र श्री कृष्ण हो भला उन्हें भी कोई कमी हो सकती है। श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा ने अपने जीवन में अत्यंत गरीबी भोगी, परंतु इनकी गरीबी के पीछे का कारण शायद ही किसी को पता होगा। आखिर क्यों श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त कहे जाने वाले सुदामा इतनी गरीबी झेल रहे थे? अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी से बड़ा निर्धन कोई नहीं था। दोस्तों उनके गरीब होने के पीछे एक कथा है जो कुछ इस प्रकार है। एक बेहद गरीब ब्राह्मणी थी जिसका जीवन भिक्षा पर ही आधारित था। लेकिन एक बार वो समय भी आया जब 5 दिनों तक उसे भिक्षा नहीं मिली और 6ठे दिन उसे मात्र 2 मुट्ठी चने ही प्राप्त हुए। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि ये चने मैं रात के समय नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही इन्हें ग्रहण करूंगी। इस विचार के साथ उस ब्राह्मणी ने चने एक साफ कपड़े में बांधे और अपने पास रख दिए। वह कृष्ण का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन ब्राह्मणी के सोते ही कुछ लोग चोरी करने के इरादे से उसके घर में घुस आए। चोरों को एक पोटली बंधी मिली। उन्हें लगा कि यह सिक्कों से भरी पोटली है, लेकिन उसमें तो भिक्षा के मिले हुए चने थे। कुटिया में हो रही आवाज़ से ब्राह्मणी की नींद खुल गई और उसने देखा कुछ लोग उस कुटिया में घुस आए हैं। ब्राह्मणी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही चोर चौकन्ने होकर भागने लगे और गांव वाले उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। पकड़े जाने के डर से वे सभी चोर गांव के निकट स्थित संदीपनी मुनि के आश्रम में आ पहुँचे, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को ऐसा आभास हुआ कि उनके आश्रम में कोई घुस आया है। गुरु माता को आता देख सभी चोर पोटली छोड़ वहाँ से भाग गए। वहीं दूसरी ओर वह ब्राह्मणी भूख से बिलख रही थी। भूखे पेट उसने यह श्राप दिया कि जिसने भी उसकी पोटली के चने चखे वह दरिद्र हो जाएगा। गुरु माता जब आश्रम की साफ सफाई कर रही थी तब उन्होंने वह चने की पोटली गिरी हुई मिली। जब भगवान कृष्ण और सुदामा जंगल में घास काटने जा रहे थे तब गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दे दी ताकि जब भूख लगे तो वे ये खा लें। जैसे ही सुदामा ने वह पोटली अपने हाथ में ली उसे समझ आ गया कि इन चनों के साथ श्राप जुड़ा है। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने यह चने ग्रहण किए तो सारी सृष्टि ही गरीब हो जाएगी। इस विचार के साथ उन्होंने यह सारे चने खुद ही खा लिए और श्री कृष्ण को उसमें से कुछ नहीं दिया। इस तरह दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने अपने सिर ले लिया और वासुदेव को उससे मुक्त किया। कहीं कहीं इस कथा का दूसरा रूप भी सुनने को मिलता है जिसके अनुसार भूख की वजह से सुदामा श्री कृष्ण के छिपते हुए सारे चने खा जाते हैं। श्राप के रहस्य से वे पूरी तरह अनजान होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर श्री कृष्ण के परम भक्त सुदामा दरिद्र क्यों थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।